हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भारत एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मैथ्स 1 मेजर ऑफ डिस्पर्शन के साथ। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, एक सिंपल चैप्टर है बच्चों। ये चैप्टर आने के लिए आपको एक 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था जिसका नाम था स्टैटिस्टिक। यस, आपको याद आ गया होगा, स्टैटिस्टिक का बहुत सा कॉन्सेप्ट एक चैप्टर में लगने वाला है। बहुत इजी चैप्टर है बच्चों है, यहाँ पे काफी आपको कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगे और आपको कभी कभी यहाँ पे लॉग टेबल की भी यूज होने वाला है। तो बच्चों आपके साथ लॉग टेबल भी रखना, बट पहले एक्सरसाइज में आपको कोई नीड नहीं है, 8.2 से लेकर आपको लॉग टेबल लगने वाला है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है पहले देखो, ये चैप्टर में हम लोगों को थोड़ा बेसिक देख लेना चाहिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन में एग्जैक्टली क्या क्या सीखना होगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों अलग अलग टॉपिक है, हर एक एक्सरसाइज में कवर कर रहे हैं हम लोग। तो पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे रेंज, क्या पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे रेंज। सेकेंड एक्सरसाइज में जब जाएंगे यहाँ पे आपको मिलने वाला है वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और थर्ड एक्सरसाइज में इसके एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों को इसको कवर करना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बट पहले बोल रहा हूँ कैलकुलेशन लेंदी है, पर थोड़ा भी बेसिक समझ लेते हैं एग्जैक्टली। सबसे पहले बच्चों आपको ये चैप्टर के लिए क्या आना चाहिए, आपको दो डेटा दिए रहेंगे, एक डेटा रहेगा ग्रुप डेटा और दूसरा रहेगा अनग्रुप डेटा। अभी पहले बात आती है कि भाई एग्जैक्टली ग्रुप डेटा होता कैसा है, अनग्रुप डेटा होता कैसा है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखो यहाँ पे रैंडमली मैंने नंबर्स लिखे रैंडमली, तो यहाँ पे कोई ग्रुप बना है क्या इसका, नहीं भाई, तो इसको बोला जाता है अनग्रुप डेटा। अभी दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अभी ग्रुप डेटा एग्जैक्टली होता कैसे, आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड में चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था, टॉपिक था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी टेबल। यस, मतलब आपने वहां पे देखो 1, 2, 3, 4 फिर 5, 1, 2, 3 ऐसे कुछ किया होगा। यस और नो बच्चों, तो यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है मतलब ग्रुप डेटा के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि लाइक आपको यहाँ पे बोला रहेगा ग्रुप और यहाँ पे बोला रहेगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे बोलेंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे रैंडमली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, 10 to 20 क्या एक ग्रुप है, 20 to 30 क्या यहाँ पे ग्रुप है, तो इसको बोला जाता है ग्रुप डेटा और इसको बोला जाता है यहाँ पे अनग्रुप डेटा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस, वेरी गुड। चलो इधर तक आ गए हम लोग, अभी आप लोगों को ग्रुप समझ गया, अनग्रुप समझ गया है बच्चों। अभी यहाँ पे हम लोग जो पहले एक्सरसाइज में टॉपिक कवर करने वाले है उसका नाम है रेंज। अभी एग्जैक्टली रेंज मतलब होता क्या है बच्चों, रेंज इज नथिंग बट गैप। क्या होता है रेंज, गैप, दो चीजों के बीच में कितना गैप है मतलब कितना रेंज है वो हम लोगों को पहले एक्सरसाइज में कैलकुलेट करना है। हालांकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, तो अभी रेंज तो समझ गया आपको क्या होता है गैप। अभी देखो बच्चों अगर यहाँ पे एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे है और एक पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे, तो दोनों के बीच की रेंज कितनी हो गई मतलब दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 10 और 20 हाईएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ये है फॉर्मूला किसका, रेंज का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका पहले एक्सरसाइज का फॉर्मूला रेंज का, जिसमें क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी अगर बच्चों मैंने इसी एग्जांपल को और इसी एग्जांपल को कंडक्ट किया और इसका रेंज निकालना सिखाया आपको तो कैसे आएगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर है 7 और यहाँ पे सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है 2, तो यहाँ पे लिखो हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू 7, लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू 2, फॉर्मूला हाईएस्ट इज 7 स्मॉलेस्ट इज 2, आंसर इज व्हाट 5, तो यहाँ पे इसका रेंज बनता है बेटा 5। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अपना ग्रुप डेटा, अभी इसका रेंज कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे तो सिंपल था ना हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, बट यहाँ पे कैसे करना है, तो बेटा यहाँ पे आपको क्या करना होगा मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ बच्चों। सबसे पहले आपको ढूंढना है हाईएस्ट ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ पे
30 to 40, यस और नो बच्चों, यस। और सबसे लोवेस्ट ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोवेस्ट, लोवेस्ट ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, 10 से लेकर 20। तो बच्चों क्या करना है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे हाईएस्ट ग्रुप हो जाएगा, यस। तो हाईएस्ट ग्रुप का हाईएस्ट नंबर आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 40, और लोवेस्ट ग्रुप का लोवेस्ट नंबर आपका बन जाएगा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी को नहीं देखना है, तो आपको यहाँ पे किसको देखना है, ग्रुप को। हाईएस्ट ग्रुप का हाईएस्ट नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट ग्रुप का लोवेस्ट नंबर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो 40 माइनस 10, यहाँ पे मेरा रेंज बन जाएगा 30। तो इसी के साथ बच्चों मेरा बेसिक कवर हो चुका है, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इजी है। तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। तो बच्चों आपके सामने आ चुका है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.1 मेजर ऑफ डिस्पर्शन का। तो यहाँ पे इसमें सॉल्व करना है बच्चों, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हेडलाइंस नहीं लिखा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हेडलाइन सेम है, रेंज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे होगा रेंज फाइंड आउट देखते हैं बच्चों एकदम इजीली। अभी मैंने आपको बेसिक में फॉर्मूला बताया था, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। हाईएस्ट की जगह पे आप लोग लार्जेस्ट नंबर भी यूज कर सकते हो, सिंपल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट नंबर देखना है बच्चों क्या है। लार्जेस्ट यहाँ पे कौन सा है देखू तो मैं, लार्जेस्ट यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे 45 दिख रहा है, यस। और फिर उसके बाद बच्चों अगर मुझे चाहिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाला है 7। तो देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे है 45 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे 7, तो आपका आंसर बन जाएगा बच्चों 38। इजी था पहला क्वेश्चन। तो ना बच्चों मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेम यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे देख सकते 727 यहाँ पे दिख रहा है, यस। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 967। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग की 250 दिख रहा है, यस। तो 250 आ जाएगा। सो देयरफॉर रेंज, रेंज इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है आपको डायरेक्ट में करता हूँ, 967 माइनस 250। और अगर इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो यहाँ पे 7 1, और यहाँ पे 9 में से 2 गया, यहाँ पे भी आ जाएगा 7। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो थोड़ा अलग फॉर्म में है, यहाँ पे ग्रुप है कि अनग्रुप है अगर मैंने पूछा तो क्या आ सकता है इसका आंसर। तो बेटा ये यहाँ पे अनग्रुप का क्वेश्चन है, कौन सा है, अनग्रुप का ही है, भले ही आपको टेबल दिख रहा है बड़े अनग्रुप है। तो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे यहाँ पे देखे रखा है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स यहाँ पे देखे रखा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर बच्चों यहाँ पे है 21 लार्जेस्ट नंबर, और यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है बच्चों यहाँ पे 10। तो अगर मैं इसका रेंज बोलू तो इसका रेंज क्या आएगा बच्चों, 21 माइनस 10, और आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे 11। आपको इसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना होगा एज अ फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों। तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे 11। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ग्रुप है कि अनग्रुप है, भी अनग्रुप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों आपको यहाँ पे रेंज निकालना है, यस। तो रेंज निकालने के लिए आपको लगेगा लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे स्कोर में देखना है कि फ्रीक्वेंसी में, तो बच्चों हमेशा यहाँ पे आपको देखना होगा स्कोर, मतलब फ्रीक्वेंसी को छोड़ के ऊपर जो रहेगा उसमें। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है 6 माइनस स्मॉलेस्ट नंबर है 1, आंसर बन जाएगा आपका 5। इजी था बच्चों एकदम क्वेश्चन। ना आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रुप के फॉर्म में। अभी इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है इसे, इसको लार्जेस्ट क्लास। लार्जेस्ट क्लास कौन सा है बच्चों, 70 से लेकर 72, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फिर यहाँ पे देयरफॉर लार्जर, और फिर लार्जेस्ट नंबर, लार्जर नंबर आपका बन जाएगा
72, मैंने बेसिक में समझा के रखा था आपको। नाउ स्मॉलेस्ट क्लास, स्मॉलेस्ट क्लास आपका यहाँ पे है 62 से लेकर 64, तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर है 62, ठीक है बच्चों। ना अगर मैं यहाँ पे रेंज यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं तो आपको फॉर्मूला पता ही है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट क्लास का नंबर है यहाँ पे 72 और यहाँ पे है 62, बच्चों अगर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं तो 10 मिल जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू 10। तो इसी के साथ हमारा पहला एक्सरसाइज जो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कंप्लीट हो चुका है, बहुत इजी था बच्चों, एकदम सिंपल था। नाउ एक्चुअल मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट होने वाला है आपका एक्सरसाइज नंबर 2 से, और उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के 8.2 एक्सरसाइज में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।